अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दही की कड़ी। इसके लिए हमने लिया है 1/2 kg दही, 1/2 kg को हमने अच्छे से विस्क कर लेना है बीटर से, ताकि एक भी लम ना रहे इसमें। हमारा दही अच्छे से विस्क हो चुका है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। इसमें लगभग 4 कप पानी जाएगा। अब इसी के साथ हम 3 टेबलस्पून बेसन डाल लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें भी लम्स नहीं होनी चाहिए। हमारा बेसन अच्छे से घुल चुका है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। ये थोड़ा सा, इसलिए हम और इसमें 1 टेबलस्पून बेसन और डाल देंगे और वापस से अच्छे से विस्क कर लेंगे। हमारे बेसन में बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम स्टोव ऑन कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे 5 sprigs कड़ी पत्ते के, ये सारे काढ़ी के साथ डालने हैं। फाइव ग्रीन चिलीज, इसे हमने ऐसे स्लिट कर लिया है। आधी छोटी प्याज स्लाइस की हुई, इसे हमें लगातार मिक्स करना है, वरना एक कर्ड कर्डल हो जाएगा, लम्स आ जाएंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेते रहना है। इसी के साथ हम इसमें मसाले डालेंगे। दो छोटे चम्मच नमक, तीन छोटे चम्मच धनिया, दो छोटे चम्मच हल्दी और 3 छोटे चम्मच जीरा पाउडर। देखिए, ना मिक्स करने पे दही ऐसे हो जाता है, इसलिए कंटिन्यूअसली स्टर करना है। इसे जब तक मिक्स करना है तब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। हमारी कढ़ी में बॉईल आ चुका है, अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसका तड़का रेडी कर लेंगे। दूसरे पैन में तड़के के लिए तेल गरम कर लेंगे।
चार स्पून हमने तेल लिया है। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गार्लिक, ये हमने छिलटे के साथ लिया है, सिर्फ क्रश कर लिया है, इसे अच्छे से पहले ब्राउन कर लेंगे। गार्लिक ब्राउन होने के बाद हाफ स्पून राई डाल देंगे। इसी के साथ हम डालेंगे, करीब आप अच्छे से कुक कर ले होने पर फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसी में दो स्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल के कढ़ी में डाल देंगे। अब हम आपको बताएंगे पकौड़े बनाने का तरीका। इसके लिए हमने लिया है 2 कप बेसन, 2 कप बेसन, 1 फाइनली चॉप्ड अनियन, 1 कड़ी पत्ते फाइनली चॉप्ड, 1 स्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, दो छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब हमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। पानी ग्रेजुअली ऐड करेंगे। हमने तेल ऑलरेडी गरम के लिए रख दिया था। अब इसमें ग्रेजुअली आहिस्ते से फ्राई कर लेंगे पकौड़े। पकौड़े हमें फ्लैट कर लेंगे।
हमारे पकौड़े अच्छे से लाल हो चुके हैं। अब हमें हम इसे टिश्यू पे निकाल लेंगे ताकि पूरा तेल ड्रेन आउट हो जाए। इसी तरीके से बाकी बैटर का भी पकोड़े तल लेंगे। इसी तरह हमने सारे बैटर के पकौड़े बना लिए हैं। अभी सारे पकौड़े हम हमारी कढ़ी में डाल देंगे। अब हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और ये हमारी दही की कढ़ी रेडी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।